Students, today we are going to start our first chapter of your English book. First chapter is how daddy was always late. आप सभी सुन पा रहे हो मुझे? आवाज आ रही है बेटा सभी को? Yes. Yes. Okay. So we are going to start a chapter. Okay. Take your books with you. When daddy was little, he went to school just like all other children. जब अब हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? डैडी के बारे में, कि जब वो लिटिल थे वो भी और बच्चों की तरह, he also went to school like all other children, दूसरे बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाते थे. ओके. नेक्स्ट, ऑल द अदर चिल्ड्रन केम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग. जो बाकी सारे बच्चे हुआ करते थे वो स्कूल की रिंग, जो रैंग थी, बेल थी, रिंग होने से पहले ही स्कूल में पहुंच जाते थे. बट लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज रीच लेट फॉर सम रीजन और द अदर. लेकिन वो जो लिटिल डैडी हुआ करते थे वो क्या करते थे? हमेशा लेट आते थे. Every evening the same old story would repeat itself. जो उनकी जो रूटीन थी वो हमेशा क्या होती थी? ऐसी रिपीट हुआ करती थी. और जो उसके जो वो रूटीन क्या थी, जो उनकी ग्रैंड माँ थी वो हमेशा उनसे पूछती थी, Have you done your work? कि आपने अपना काम कर लिया? And he always said, Wait a second. Little daddy would answer. वो हमेशा क्या आंसर करते? कि वेट करो. And what she said, stop the reading and start your homework immediately. वो क्या करते थे? हमेशा बुक रीड करते रहते. और ग्रैंडमा क्या कहती है, ग्रैंडफादर क्या कहते, कि अपना जो स्कूल होमवर्क है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो. जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से. लेकिन लिटिल डैडी थे वो क्या कहते थे, कि बस एक पेज और पढ़ने दो. लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट अ न्यू वन. और वो क्या करते, एक पेज फिनिश कर लेती और दूसरा स्टार्ट कर लेती. ठीक है बेटा, गिव मी रिस्पांस. यस मैम. आ रहा है समझ? यस मैम. यस. हाँ, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? लिटिल डैडी के बारे में, उनकी रूटीन, कि जब वो जब उनका चाइल्डहुड था वो क्या करते थे, कैसे स्कूल में लेट हो जाते थे, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. और वो क्या करते, हमेशा कोई ना कोई बुक उठा लेते, उनको पढ़ते रहते. तो उनकी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर क्या कहते, कि यू शुड डू योर स्कूल वर्क. एंड ही वॉज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट अ न्यू वन. ही जस्ट कुडंट पुट डाउन अ इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग द डल लेसंस. वो क्या करते, वो सारा दिन अपनी एक इंटरेस्टिंग बुक लेके बैठ जाते, उसको कभी भी पुट डाउन ना करते, क्योंकि उनको जो बाकी काम वो करना चाहते थे, स्कूल का काम मिले उनको मिलता था, उन्हें क्या लगता था वो सारा काम डल है, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे. जस्ट वन मोर पेज. लेकिन फिर उनको बोला जाता तो वो क्या कह देते, कि एक पेज मुझे और पढ़ने दो. पुट दैट बुक डाउन. फिर ऐसे ही चलता रहता है ना, उसके फादर उनके मदर क्या कहते रहते, कि बुक को नीचे रखो, इस बुक को ना पढ़ो. और फिर वो क्या कहते, वेट अ सेकेंड. ऐसे ही उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो चलती रहती थी. वेट अ सेकेंड, वो फिर ऐसे ही बोलते. फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लूज देयर पेशेंस. अब क्या हुआ, उनमें जो पेशेंस था, पेशेंस लेवल उनका भी खत्म हो गया. एंड दे वुड स्नैच लिटिल डैडीज बुक फ्रॉम हिम. स्नैच होता है बेटा छीन लेना. ठीक है. वो क्या करते, उनसे बुक छीन लेते थे. एंड क्या कहते, यू विल एंड अप अ लेजी गुड फॉर नथिंग, दे थ्रेटन. और वो उन्हें सारा दिन क्या बोलते रहते, गुड फॉर नथिंग का बेटा मीनिंग साथ में ही लिखो. गुड फॉर नथिंग का मीनिंग है यहाँ पे कुछ ना करना, फ्री बैठना, सिट आइडली, कुछ फ्री ना बैठ. तो वो क्या कहते कि तुम्हें ये जो लेजी काम है जिसके लिए तुम कुछ नहीं करते, इस काम को छोड़ दो. ऐसे उसको डांटना शुरू कर दिया. देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंडेड. ऑफेंडेड मतलब होता है अपसेट हो जाना. ठीक है. जो लिटिल डैडी थे वो अपसेट हो गए थे. क्यों हो गए थे वो अपसेट? व्हाट वाज द रीजन? हरमन आंसर मी.
हरमन आई एम टॉकिंग टू यू. रूपम आप दोगे तो मुझे आंसर. व्हाट वाज द रीजन? सॉरी बेटा आई कांट हियर यू. मैम आपको क्वेश्चन क्या पूछा? अब द क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन ऑफ फॉर हिज अपसेट. वो अपसेट क्यों हो जाते थे? व्हाई वाज ही सैड? मैम अपसेट हो जाते थे क्योंकि कोई उन्हें बुक पढ़ने नहीं देता था. वो हमेशा लेट होते थे पढ़ने के लिए भी, उठने के लिए भी, सोने के लिए भी, और उन्हें डांट के फिर ये सब करवाया जाता था जिससे वो अपसेट हो जाते थे. वेरी गुड. अपसेट का रीजन क्या था? कि जो उनकी इंटरेस्ट थी जिसमें उनको बहुत इंटरेस्ट फील होता था एंड ही वाज नॉट एबल टू रीड दैट बुक. ओके बट ही वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग ऑफ दैट बुक बट देयर पेरेंट्स डिडंट अलाउ हिम टू रीड दैट बुक. देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंडेड. ही वुड बिगिन टू वीप. वीप का मतलब रोना. उन्होंने रोना शुरू कर देना. डिमांड हिज बुक. और वो क्या कहते हैं कि मुझे मेरी बुक वापस दो, मैंने पढ़नी है. ही सेड दैट ही वुडंट स्टार्ट हिज होमवर्क अनटिल दे गिव इट बैक टू हिम. उन्होंने क्या बोला कि जब तक तुम काम नहीं कर लेते तब तक ये बुक आपको वापस नहीं मिलेगी. एंड सो द इवनिंग वुड स्लिप अवे. ऐसे ही पूरी इवनिंग निकल गई. व्हेन लिटिल डैडी फाइनली सेट डाउन टू डू हिज होमवर्क. फाइनली वो बैठ गए अपना काम करने के लिए. एंड ही वुड फॉल स्लीप. और वो पहले ही सो गई. ही डिड हिज होमवर्क इन अ डेज. डेज का मतलब होता है बहुत कंफ्यूजिंग वे में, थोड़ी लेजीनेस के साथ, है ना, कंफ्यूज स्टेट जो थी उनके माइंड की थी. उन्होंने ऐसे ही अपना काम फिनिश कर लिया. ही वॉज थ्रू इट वुड रियली बी लेट. ऐसे ही वो लेट हो गए. ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड बी एग्जॉस्टेड. वो भी बहुत थक चुके थे. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड हो जाना, थक गए थे, है ना, उसको बोल बोल के ये तो काम ही नहीं करता. तो वो करते भी क्या. इन द मॉर्निंग. अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई. इन द मॉर्निंग इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी. अब क्या हुआ, रूटीन थोड़ी चेंज हो गई. स्टोरी जो थी थोड़ी डिफरेंट हो गई. गेट अप. मदर ने क्या बोला कि जल्दी से उठो. फिर उसने क्या आंसर किया, वेट अ सेकेंड. मम्बल. मम्बल होता है बेटा धीरे धीरे से बोलना, है ना. तो वो ऐसे ही बोले बहुत क्वाइट वे में, बहुत अनक्लियर वॉइस जो क्लियर भी नहीं थी. उन्होंने क्या बोला, वेट अ सेकेंड, के वेट करो. गेट अप. फिर उसकी मदर ने क्या बोला कि गेट अप, खड़े हो जाओ. फिर उसने क्या जवाब दिया, वेट अ सेकेंड. उसकी ग्रैंडमा बोलते कि यू आर ऑलरेडी लेट. एवरीवन नोज हाउ हार्ड इज इट टू गेट अप व्हेन यू वेंट टू बेड लेट बिफोर नाइट बिफोर. सभी को पता है कि कितना मुश्किल हो जाता है अगर हम एक नाइट को पहले अपने बेड पे टाइम पे ना जाएं. तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हम कितने लेट हो जाते हैं. आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा. जिस दिन आप रात को टीवी देख रहे हो या फोन यूज कर रहे हो, आप बेड पे लेट जाते हो, तो सुबह आपको कितनी मुश्किल आती है सुबह उठने में. आती है ना सभी को? तो सेम चीज है. यू हैव योर स्वीटेस्ट ड्रीम इन द मॉर्निंग. हम क्या करते हैं, रात को कुछ ड्रीम्स देखते हैं. और फिर क्या होता है, सुबह हमने स्कूल जाना होता है. स्पेशली यू हैव टू गो टू स्कूल. और सबसे पहला काम क्या होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाइफ का, कि हमने मॉर्निंग ही स्कूल जाना होता है. टाइम मार्च. मार्च का मतलब होता है बेटा टाइम गोज ऑन, मतलब टाइम निकलता गया. एंड स्टेडली ऑन व्हाइल लिटिल डैडी स्ट्रेच्ड एंड यॉन्ड एंड पुल्ड हिज क्लोथ्स ऑन एंड स्लीपली वॉश्ड डोज थ्रू हिज ब्रेकफास्ट एंड फाइनली मैनेज टू गेट हिज बुक्स टुगेदर. ठीक है, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे. कौन? लिटिल फादर. जो लिटिल डैडी थे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे. उन्होंने क्या किया, पहले तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, फिर थोड़ी सी यॉनिंग की, फिर धीरे धीरे अपने क्लोज उठाए, फिर एक डोज्ड वे में, कंफ्यूज वे में कपड़े निकाले. ठीक है, फिर अपना ब्रेकफास्ट किया, अपने खुद को बाथिंग की. ऐसे ही उन्होंने फिर किया, क्या किया, अपनी बुक्स उठाई. बहुत लेजी वे में उन्होंने ये काम किया. सिंस लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट. और बिल्कुल लास्ट टाइम पे अपना होमवर्क भी कंप्लीट किया. लेकिन किया, ही नेवर डिड इट वेल. होमवर्क वो अपना कभी भी टाइम पे नहीं करते थे. ही ऑलवेज लेट फॉर द स्कूल. हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाते थे. ही ऑफन मिस द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यू सब्जेक्ट. कोई जब वो टीचर थे, कोई क्लास लेते, तो जब तक वो क्लास में जाते जो उनकी एक्सप्लेनेशन थी वो खत्म हो चुकी होती थी.
दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट द रेस्ट ऑफ द क्लास वॉज डूइंग. क्लास में लेट आते तो पता नहीं चलता था क्लास में टीचर ने क्या पढ़ा दिया, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती. लिटल डैडी वॉज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ. ठीक है, ऐसे ही जो उनकी लाइफ थी वो अपनी लाइफ में हमेशा ही आगे चलते गए, हमेशा लेट होते गए. ही वॉज लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर कॉलेज, लेट फॉर वर्क, है ना. जो उनके जो शुरुआत स्कूल डेज थे या चाइल्डहुड था, वो चाइल्डहुड में भी उनकी लाइफ ऐसी ही थी कि जैसे उनका वो बेस बन गया लेट उठने का, ऐसे ही वो कंटिन्यू चलता गया. ठीक है, ऐसे ही हमें पहले स्कूल में लेट हो जाते, फिर कॉलेज में लेट हो जाते, फिर एट द एंड वर्क के लिए जहाँ पे जॉब करते वहाँ पे भी लेट हो जाती थी. ही लॉस्ट आउट मेनी थिंग्स इन लाइफ. उन्होंने अपनी लेजीनेस की वजह से, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मिस कर दी थी. His friends loved to tell funny stories about his being late. उसके friends उसका मजाक उड़ाते और क्या करते, उन्हें funny stories सुनाते, है ना, पूरा उसका पूरा मजाक उड़ाते उसका. Even now, daddy doesn't know how to walk slowly. लेकिन अभी daddy को पता तक भी नहीं कि slow कैसे चलते हैं. He always in a hurry. मतलब हमेशा इतनी जल्दी में चलते कि सारा दिन बस जल्दी जल्दी में निकल जाता, हमें चलना ही नहीं आता था. He always in a hurry. वो हमेशा क्या होते, जल्दी में होते, because he is used to being late. क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी थी हमेशा लेट हो जाने की. Clear? This is the summary of your chapter. सभी को बेटा समरी समझ आई? Yes. Give me answer. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ दिस स्टोरी इज रिटन बाय अलेक्जेंडर बोविश रस्किन. ओके, वो एक पोइट भी हैं और एक रशियन राइटर भी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता रही हूँ. और वो जो मास्को में उन्होंने एक लिटरेचर इंस्टीट्यूट में अपनी स्टडी कंप्लीट की और वो स्टाइल के लिए ज़्यादा फेमस होते थे. ठीक है, तो आपने चैप्टर का जो राइटर नेम है वो भी आपने याद रखना है. क्लियर बेटा, सभी को समझ आया? स्टूडेंट्स गिव मी रिस्पॉन्स, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर? Yes. Okay. So, can you tell me what is the moral of this story? ये story chapter में देने का क्या मतलब है? ये story क्यों आपके syllabus में आपको allow की गई? What is the moral of this story? क्या समझाने की कोशिश की गई है इस chapter के through आपको? What lesson have you taught from this story? Don't be lazy. Yes, we should never be lazy. Next. Parmeet, Jasmine, Mehak, give me answer. Manjot, give me answer, beta. Rupam, unmute yourself and give me answer. What is the moral of this chapter? Moral of this chapter is we should always do our work in a proper record of time. We should never be late. Yes, very good. We should always do our work in a proper manner, in a proper way. We should never be late and we should be responsible towards our duties. बेटा किसी भी बच्चे ने ऐसे ड्राइंग नहीं करनी इसके ऊपर. और कोई बच्चा कुछ बताना चाहता है? जैस्मीन, मंजोत, गुरप्रीत, बेटा आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? आपको चैप्टर समझ नहीं आया? टाइम यस सर.
और बताओ मुझे, और कोई बच्चा बताओ जिसको चैप्टर कोई और उसको उसको कोई और आइडिया लग रहा हो। गुरप्रीत? यस मैम। आओ बेटा, और क्या बताया गया इस चैप्टर में, हमें लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मैंने वी ज्वाइन किया, नेट नहीं थी। ओके मंजोत बेटा, आप करो फिर आंसर। मैम हमें अपने मम्मा पापा की बात भी माननी चाहिए। हाँ वेरी गुड। वो लेकिन हमें अपना काम भी खुद करना चाहिए और टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मैम टाइम पे नहीं करेंगे हमारी चीजें मिस भी हो सकती हैं। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। और कोई बच्चा कुछ और बताना चाहता हो? ओके चलो क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं इस चैप्टर की। वन बाय वन सभी से क्वेश्चनिंग की जाएगी। ओके जैस्मिन, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। व्हाट डिड हिज ग्रैंडमा यूज टू से हिम? बोलो बेटा आंसर करो मुझे। What did his grandma used to say him every day? मंजूर? Yes, speaker. Speak up. What did his ma'am do your homework? Yes. She always used to tell him that he should do his homework. Okay. Next question is for you, Rupam. What was the question? Rupam, I am repeating. How was the story changed in the end? At the end of the story, little girl never knew how to walk slowly. She thought that he always was late, even if he was on time. Even then, he would walk very fastly because he used to be late. Okay, what lesson he taught from his last different story? Now we should always do our work on punctuality. We should be very punctual, and we should always listen to our mother or father. Yes, very good. Okay, what is the meaning of dozed? Gurpreet Singh, what is the story? What is the meaning of dozed? Kevin, what is the meaning of dozed? ये वर्ड दो बार आया इस चैप्टर में, सो आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। नाउ टेल मी द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेज? Meaning of dose it now.
The meaning of dog is no. No. This is not the correct meaning. Anybody else? Raise your hand. कैमरा अपना ऑन करो बेटा ताकि मैं आपको देख पाऊं. अपनी वीडियो ऑन करो सारे बच्चे. इकबाल सिंह, जैस्मिन, रोबिन, इकबाल बेटा आप आंसर करो इस क्वेश्चन का. आप आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेज? D-A's are D-Days. Govind. Satyavir. Govind, answer me. Unmute yourself and tell me the answer of days. Jacqueline. ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा मेरी आपका ध्यान से सुनो. देखिए इस चैप्टर का मॉरल अब आपको मैं समझा रही हूँ अच्छे से. वैसे मुझे सभी बच्चों ने आंसर किया, बहुत सही आंसर थे उनके. इस चैप्टर को बेटा इस बुक के या चैप्टर जो है आपका फर्स्ट में ही ये चैप्टर आपको लगाया गया. इसका क्या मतलब है कि हमेशा हमें अपनी लाइफ पे हमें पंक्चुअल रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, सारे काम हमें हमेशा टाइम पे करने चाहिए. और जो ये हमारे स्कूल डेज हैं ये हमारी लाइफ का बेस है. अगर हम इन्हीं डेज में सीखते हैं कोई टाइम पे काम करना तो ये हम लाइफ टाइम कभी भी इस चीज में हम कभी भी लेट नहीं होंगे. जो भी आपका काम होगा प्रॉपर टाइम पे करोगे. खाना खाना है प्रॉपर टाइम पे, एक टाइम टेबल होना चाहिए आपका. अब आप घर पे जाके क्या करते हो, स्कूल आप नहीं आ रहे तो अभी आपने क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है कि हाँ ये टाइम खाने के लिए होगा, ये पढ़ने के लिए, ये खेलने के लिए. बेटा आपने ये चीज को क्या करना है, मैनेज करना है टाइम टेबल को. ठीक है, अब बेटा आपने और क्या चीज करनी है ध्यान से सुनो. आपने नोटबुक्स लगा लेनी है इंग्लिश की. अब जो आपने पहले बेसिक की नोटबुक लगाई थी अब ये काम उन पे नहीं करना, ये नोटबुक आपने अलग से लगानी है. क्लियर? हम ओके. ये नोटबुक अलग से लगाओगे और सबसे पहले क्या करोगे, यस मैम, नोटबुक के ऊपर कवर करोगे. ठीक है, और जो आपकी नोटबुक है उसकी प्रॉपर मार्जिन लाइन लगाओगे. आपको पता ही है, ठीक है, अभी आप करते ही हो ये सारा काम पहले. ओके मैम. ठीक है, आपने क्या करना है, मार्जिन लाइन लगा लेनी है. और जो फर्स्ट पेज है आपकी नोटबुक का उसके ऊपर आप अपना पूरा बायोडाटा लिखोगे. योर नेम, योर क्लास, योर सेक्शन, योर रोल नंबर, योर टीचर नेम. ओके, टोटल पेज नंबर्स भी लिखोगे. उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आप इंडेक्स बनाओगे. क्लियर बेटा? बेटा आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा आंसर मी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सभी को समझ आ रहा है ना आपने क्या करना है? यस मैम. यस. आपने बेटा प्रॉपर इंडेक्स बनाना है. इंडेक्स के ऊपर आप जैसे आगे बनाते हो पहले सीरियल नंबर, चैप्टर नंबर, स्टार्टिंग पेज नंबर, एंडिंग पेज नंबर एंड साइन पेपर्स के. ठीक है, उसके बाद बेटा अब क्या होगा, अब आपको जिस दिन आपकी क्लास होगी उस दिन आपसे वर्ड मीनिंग सुने जाएंगे इस चैप्टर के.
ठीक है, सिर्फ जो बुक्स के नीचे आपको दिए गए हैं सिर्फ आपने वही नहीं करने, जो आपके पूरे पेपर में से डिफिकल्ट वर्ड्स बन रहे हैं, जैसे स्ट्रेच का मीनिंग, मार्च का मीनिंग, देयर आर सो मेनी वर्ड्स. ओके, सो यू विल ऑल सर्च अबाउट द मीनिंग, यू विल राइट डाउन ऑन योर अपलोड बुक्स. ठीक है, जो आपने पेज के ऊपर करना है वो आपको नेक्स्ट डे मीन के मंडे को भेजा जाएगा. उसके उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे और कीवर्ड्स होंगे, वो कीवर्ड्स भी सुन सकती हो और आपने खुद अपने बिहाफ पे भी वर्ड्स के मीन फाइंड करके रखने हैं. अलग नोटबुक पे लिखने हैं या पेयर पे नहीं लिखने, क्लियर? पेयर पे सिर्फ वही लिखने हैं जो मैं आपको सेंड करूंगी मंडे, क्लियर बेटा? ठीक है मैम. और बेटा क्या करना है, कस्टम के लिए ब्लैक पेन यूज करना है, आंसर के लिए ब्लू पेन यूज करना है, ब्लैक और ब्लू अच्छे से मेंटेन करनी है. योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, कोई कटिंग नहीं करनी, कोई फ्लूर नहीं लगाना, समझ आया? और जो हमने ये फर्स्ट चैप्टर रीड किया है, इस चैप्टर का मॉरल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे कितने टाइम की वैल्यू होनी चाहिए. ओके, अगर बेटा आपने ये चीज ये मॉरल वैल्यू, आपको बेटा कोई भी चैप्टर ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता, उसके पीछे एक मॉरल होता है कि बच्चों को सिखाना क्या है इस चैप्टर के थ्रू. जैसे आपने ये चैप्टर रीड किया, इस चैप्टर के थ्रू आपको क्या पता चला कि हमें कैसे टाइम पे सभी काम टाइम पे करने चाहिए. अगर हम टाइम पे नहीं कुछ करेंगे तो हमें कितना बड़ा लॉस होगा. अब जैसे उस लिटिल डैडी को हुआ है ना, अगर वो टाइम पे होते तो वो क्या करते, टीचर के एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन पाते है ना, अच्छे मार्क्स ले लेते, अच्छे मार्क्स ले लेते तो आगे जाके अच्छी जॉब मिल जाती उन्हें अपने मार्क्स के बेस के ऊपर. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. क्यों? उन्होंने क्या किया, टाइम वेस्ट किया. तो हमने वो चीज नहीं करनी, क्लियर? ओके मैम. और बेटा लास्ट थिंग, आप लोग भी बेटा टाइम पड़ा है, मीटिंग खत्म होने की, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझसे पूछो. If you have any queries, you can ask me. From days, क्या होता है? Confused बेटा, D is at the days confused. कोई भी काम confused होके कर रहा. मैम clear नहीं आ रही आपकी आवाज. अब आ रही है बेटा? मैम yes. किसी भी काम को बेटा confused manner में करना, इसे क्या बोलते हैं? और कोई बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई चीज ना समझ आई हो इस चैप्टर में से, कोई मीनिंग ना पता चला हो? मैम मंबल का मीनिंग क्या होता है? बहुत स्लो बोलना, अनक्लियर को ना सुना दो. ये रहा बेटा मम्बल का मीनिंग, ध्यान से देखो. स्पीक इन अ क्वाइट, ऐसे वे में बोलना, बहुत क्वाइट हो, बहुत धीमी आवाज हो, किसी को सुनाई ना दे और अनक्लियर हो, समझ ना आए कि क्या बोल रहा है. ठीक है, ऐसे जब उनकी मदर उनको बोलती थी जल्दी उठने के लिए तो वो मम्बल करती थी, मम्बल. बी इज साइलेंट, वर्ब साउंड में बोलने, दिस इज जस्ट मम्बल. क्लियर? यस मैम. हाँ, और कोई डाउट बेटा पूछ सकते हो, पूछो अगर कुछ नहीं पता चला इस चैप्टर में. मैम यॉन का मीनिंग क्या है? बेटा यॉन का मतलब होता है उबासी लेना, यॉनिंग. और कोई और कोई डाउट बेटा? रूपम आपको है कोई डाउट? का मीनिंग क्या है? किसका मतलब बेटा? यॉन्ड. यॉन, यॉन बोलना है उसे, यॉन. ठीक है, उसकी प्रोनंसिएशन क्या है? यौन का मतलब होता है उबासी लेना, जब आपको नींद आ रही है बहुत, यौनिंग करते हो ना फिर आप सभी. हाँ, और बच्चे को बेटा डाउट? रूपम बेटा आपको कोई डाउट? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट? बुक्स आप सभी परचेज कर चुके हैं आप सभी बुक्स? यस मैम.
मूवी तो आपको जब तक समझ आएगा ऐसे आपको समझ नहीं आएगा. और एक मेन चीज आपने सभी ने माइंड में रखनी है, जब भी आपकी इंग्लिश की क्लास लगेगी इवन किसी भी सब्जेक्ट की क्लास लगेगी तो यू शुड हैव पेंसिल विद यू. पेंसिल हाथ में हो, साथ ही साथ में मीनिंग लिखो, समझा रही हूँ उसे साथ ही साथ अंडरलाइन करो उसका मीनिंग लिखो. दिस इज द प्रॉपर वे. ऐसे ही नहीं जस्ट बस फोन उठाया बुक उठाई बस सुनने लग गए. नो, पेंसिल उठाओ उसको लिखो, डाउट है साइड पे लिखो, बाद में सभी को टाइम मिलेगा सभी डाउट पूछ लिया. क्लियर? जब बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास होगी जो उनकी आप ग्रुप में मैसेज किया जाएगा, ठीक है? और आप सभी ने अपनी क्लास अटेंड करनी है. अब आपको मंडे इसके कीवर्ड्स प्लस इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे. क्लियर बेटा? मैम? यस यस मैम, स्टार्टिंग पेज पर पिक्चर बना सकते हैं कोई? बना सकते हो, कीवर्ड से पहले बना लेनी है. ओके मैम. अगर सभी बच्चे बना सकते हो तो बना लो, बहुत अच्छी लगेगी आपकी नोटबुक. और हैंड राइटिंग का ध्यान रखना, ओवर राइट नहीं करना, फ्लूइड नहीं यूज करना. ओके मैम. और कोई बच्चे को कोई डाउट बेटा? अभी 3 मिनट्स पड़े हैं आपके, 3 मिनट्स आर स्टिल लेफ्ट, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. अंकुश, जैस्मीन, इकबाल, गुरप्रीत, देर आर 9 स्टूडेंट्स बट दे आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस. महक, मंजोक, मेरे बारे में नॉट गिविंग मी एनी रिस्पांस. रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे आप? बताओ बेटा. ओके, यू हैव जस्ट 1 मिनट फॉर योर मीटिंग. सो सभी ने ध्यान रखना है, जो चीज समझाई है उसको अच्छे से करना है सभी ने. अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ओके स्टूडेंट्स. ओके मैम. ओके बेटा. अभी बेटा 1 मिनट पड़ा है, आई एम स्टिल वेटिंग. प्लीज ऐसे ही मत बैठो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है. बेटा आपकी क्लास के बाकी बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन करते? सिर्फ टाइमिंग किया है दोनों बच्चे में से. आपके कांटेक्ट में नहीं है वो? नो मैम. ऐसे नहीं बेटा, तो अगर आप किसी भी फ्रेंड होते हैं, आप क्लास में ग्रुप में रहते हो, उनको भी इन्फॉर्म करो कि क्लासेस लगाओ. अब देखो अब आपका आपका फर्स्ट सबको हो गया, अब उनको कौन समझाएंगे, वो कैसे करेंगे? बच्चों अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो कि मैम ने बोला है कि क्लास अब जरूर अटेंड करनी है. सभी अपने अटेंडेंस लगाते हो सभी? यस यस मैम. हां बेटा सभी ने अपनी ग्रुप्स को ना इनमें चेक करते रहा करो.